निकलना है तो अपने हक पे लड़े, अपने हक के लिए जंग करें। इस तरह के बेशर्मी वाले प्ले कार्ड्स लेके तो आप खुदारा बाहर ना निकले, इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी। हाँ, अगर आप ऐसे घरों से ताल्लुक रखती है जिनकी जातों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर आप अपने राइट पे हैं, फिर आप निकले, आप रोज निकले हमारी तरफ से। लेकिन अगर आप अपने राइट पे नहीं है तो फिर ना खुद जलील हो ना अपने साथ वालों को जलील करें। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों को, दुआ बड़ों को सलाम। ज़िशार अलवानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज़ीन मार्च का महीना जैसे शुरू होता है, कुछ खवातीन, कुछ आंटियाँ जो है वो घरों से बाहर निकलती हैं अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए। लेकिन वो क्या हकूक़ लेके आती हैं और वो क्या नारे लगाती हैं, आज हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा हिफ्सा ताहिर साहबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप औरत मार्च की मुखालफत कर रही हैं या हक में हैं? मैं औरत मार्च की मुखालफत भी कर रही हूँ और कहीं ना कहीं उनके थोड़ा बहुत हक में भी हूँ, सिर्फ उन औरतों के साथ जो कि वाकई अपने हक में हैं। अच्छा बताइए कि मुखालफत क्यों कर रही हैं और हक में क्यों हैं? मुखालफत मैं इसलिए कर रही हूँ कि उस बड़े से औरत मार्च के अंदर चंद ऐसी औरतें हैं जो कि वाकई हकदार हैं अपने हकूक की। लेकिन किस तरह के हक? हक अगर लगाया जाए तो हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेप केस हो गए हैं और जो है पॉइजन अटैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कुछ ऐसी औरतें हैं जिन पे उनके घर वाले मर्द हजरात ही तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कि अपनी ज़ात से रिलेटेड मुतालबात मनवाने के लिए निकलती हैं और वो मुतालबात उनको बेसिकली होने तो अपने लोगों से चाहिए, बाहर अवाम में मुतालबे मनवाने के लिए निकलती हैं। और मुतालबे भी ऐसे हैं जो कि हम कहते हुए भी हमारी ज़ुबान लड़ रही है। आपने कहा कि बहुत सारे रेप के केसेस होते हैं और वहाँ पर जो इन इस तरह के जो हकूक़ की बात करनी चाहिए। इस तरह ज़ैनब के साथ एक वाक़या हुआ था तो उस वक्त भी आप बोली थी या हम बोले थे, ये जो आजकल की लिबरल आंटियाँ क्या ये आई थी इस वक्त? नहीं, उस वक्त कोई औरत मार्च नहीं निकला था, उस वक्त कोई औरतें सड़कों पे नहीं आई थी। मीडिया पर्सन उस सारे मामले में पेश थे, हर तरह की मदद करने को तैयार थे। लेकिन अगर औरत मार्च की तरह कोई मार्च निकाली जाए तो उस टाइम पर ऐसी कोई मार्च नहीं हुई थी, जबकि ज़ैनब के साथ या फिर मोटरवे वाला केस हुआ था तब कहाँ थी ये औरतें? आप ये सदी की कौम की बेटी है, कई साल हो चुके हैं वो मुल्क से बाहर है, उस वक्त उसके हक में तो कोई आंटी नहीं निकली। उसके हक में कोई आंटी क्यों निकलेगी, उनसे उनको कोई गर्ज नहीं है। इन निकलने वाली औरतों के तो मुतालबे ही कुछ हो रहा है। मुतालबे हैं जी, अपना बिस्तर खुद गर्म करो, अपना खाना खुद गर्म करो, लो मैं ये बैठ गई, लो मेरा जिसम मेरी मर्जी। और उनके तो मुतालबे कोई और है, वो तो एक सेंसेबल खातून है आफिया सदीकी, हमारी जो मुल्क की बेटी ज़ैनब है उसके साथ तो वाकई में कुछ हुआ और सारी दुनिया ने देखा, इन औरतों के साथ क्या हुआ है? आपने या मैंने तो कुछ नहीं देखा ऐसा होते हुए। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो लिबरल आंटियां हैं ये 8 मार्च को क्यों अपने हकूक लेके आती हैं? ये 8 मार्च को अपने हकूक लेके इसीलिए निकलती हैं क्योंकि 8 मार्च को ये जानती हैं कि ये जो बैरून मुल्क का एजेंडा लगा ले या जिन्होंने इनको फंड देने हैं उन्होंने 8 मार्च को ही देने हैं। ये हकीकत है कि इनको फंड दिए जाते हैं? वाकई ये हकीकत हो भी सकती है क्योंकि कोई भी औरत अपने हकूक के लिए, इज्जतदार औरत अपने हकूक के लिए इस तरह नहीं निकलती जिस तरह ये लोग निकलते। अच्छा ये बताइएगा कि इस्लाम में तो कहा जाता है कि हजरत फातिमा जो है हमारे लिए रोल मॉडल हैं, उन्होंने तो कहा था कि मेरा जनाजा रात की तरीकी में निकाला जाए और ये खवातीन जो हैं अपना आधे कपड़े पहन के निकल आती हैं, ये ठीक करती हैं? ये बिल्कुल गलत करती हैं। अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी जो कौमी लिबास है ख्वातीन का वो है शलवार कमीज़, और शलवार कमीज़ पहनने का मकसद यह है कि आप अपने आप को ढका छुपा रख सकें। जब आप अपने आप को ढका छुपा रखेंगे तो किसी में भी इतनी जरूरत नहीं है किसी मर्द में कि इस तरह की बापर्दा औरत पर कोई उंगली भी उठा जाए। जब आप अपने जिस्म की नुमाइश करेंगे तो डेफिनेटली फिर मर्द तो मर्द है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो ख्वातीन बाहर निकलती हैं 8 मार्च को, इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अगर अपनी और अपने घर वालों की, अपने मुल्क की इज्जत चाहते हैं, उसको महफूज रखना चाहती हैं तो आप लोग घर में बैठे हैं। जो हकूक़ आपको घर वाले नहीं दे सकते वो आपको बाहर वाले भी नहीं दे सकते, और ऐसा कोई मुतालबा नहीं है जो आप लोग बाहर मनवाने निकलते हैं। अगर निकलना है तो अपने हक पर लड़ें, अपने हक के लिए जंग करें। इस तरह के बेशर्मी वाले प्ले कार्ड्स लेके तो आप खुदारा बाहर ना निकले, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी। हाँ, अगर आप ऐसे घरों से ताल्लुक रखती हैं जिनकी ज़ातों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर आप अपने राइट पे हैं, फिर आप निकले, आप रोज निकले हमारी तरफ से। लेकिन अगर आप अपने राइट पे नहीं है तो फिर ना खुद जलील हो ना अपने साथ वालों को जलील करें। मैडम ये बताइएगा जो पिछले साल जो है मारवी सरमद के साथ सोशल एक्टिविस्ट ने किया या सोशल मीडिया ने किया है, क्या समझती है इस बार फिर शटअप होगा या नहीं होगा?
बिल्कुल होगा, शट अप क्यों नहीं होगा। सही है। खलील रहमान कमर जो हमेशा ख्वातीन की मुखालफत करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक करते हैं, बिल्कुल ठीक, 110% ठीक करते हैं। अच्छा अच्छा, बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि जो ख्वातीन बाहर निकलती हैं हकूक के लिए बके, या तो जो ज्याती के वाकयात होते हैं वो तो ठीक करती हैं, आप मुखालफत क्यों कर रही हैं ये बता दें। मुखालफत मैं इसलिए कर रही हूँ कि बींग अ लेडी, मुझे आज तक ज़िंदगी के मैंने कई साल गुजार दिए और कई औरत मार्चें देख ली। मैं इस फील्ड में काम करती हूँ और मीडिया की फील्ड को सबसे बुरी फील्ड माना जाता है औरत के लिए, तो मुझे तो आज तक मीडिया की फील्ड में रहते हुए कभी इस तरह की किसी भी चीज़ को देखने की नौबत नहीं आई जो औरत मार्च अपना हक लेने के लिए निकलती है। तो जब मैंने अपने आप पे पर्सनल कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया और ना मैंने कभी किसी लड़की के साथ चलते फिरते ज्यादती का केस देखा, तो मैं तो इसकी मुखालफत करूँगी क्योंकि अपने हक पर नहीं है। हक के साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं, लेकिन हक से हट के अगर कोई बात है तो फिर हम उसकी मुखालफत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हिफ्सा ताहिर की गुफ्तगू सुनी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनका कहना है कि वो ख़वातीन जो हैं आधे कपड़े पहन के जो है बाहर निकलती हैं, वो अपने हकूक़ के लिए नहीं बल्कि वो जो है बैरूनी एजेंडे पर चलती है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबान।